हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको मगरमच्छ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रोकोडाइल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि वो कितना खतरनाक जीव होता है। चलिए आज इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह पूरी दुनिया में पाया जाता है और इसे पानी का शैतान भी कहा जाता है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगरमच्छ समुद्र के साथ ही नदियों और तालाबों में भी पाए जाते हैं। खारे और मीठे पानी में यह रह सकते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ मीठे पानी के मगरमच्छ से आकार में बड़े होते हैं। खारे पानी का मगरमच्छ 20 फीट तक लंबा होता है, जबकि मीठे पानी के मगरमच्छ की लंबाई 8 से 13 फीट ही होती है। यह एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे बड़े बड़े महाद्वीपों पर भी मिल जाते हैं। मगरमच्छ की धरती पर उत्पत्ति 24 करोड़ साल पहले की मानी जाती है। अब तक के मगरमच्छ की 23 प्रजाति की खोज की जा चुकी है। मगरमच्छ मांसाहारी प्राणी होता है। यह जलीय जीवों के साथ ही स्थलीय जीवों को भी खा सकता है। यहाँ तक कि अगर मनुष्य भी इसकी जद में आ जाए तो यह उसे भी नहीं छोड़ता। वैसे तो मगरमच्छ पानी में रहने वाला जीव होता है, मगर यह धूप सेकने और आराम करने के लिए धरती पर भी आ जाता है। मगरमच्छ के 24 नुकीले दांत होते हैं, जो वो अपने शिकार को चीर फाड़ करने के लिए इस्तेमाल करता है। यह भोजन को सीधा ही निगल जाता है। मगरमच्छ पेट में खाने को पचाने के लिए छोटे पत्थरों को भी निगल जाता है। मगरमच्छ लंबे समय तक बिना कुछ खाए जिंदा रह जाता है। मगरमच्छ के जबड़े इतने ज़्यादा मजबूत और लंबे होते हैं। इसका जबड़ा इतना बड़ा होता है कि यह बड़े से बड़े जीव को भी आसानी से निगल सकता है। मगरमच्छ की आंखें इसके सर के नीचे होती हैं। आंखें थोड़ी उभरी होती हैं। इसकी आंखों पर भी एक पर्दा होता है, जिससे आंखों में पानी नहीं जाता। बड़े ही रोचक यह बात है कि मगरमच्छ खाना खाते समय आंसू निकालते हैं। मगरमच्छ का खून ठंडा होता है। इसे पसीना भी नहीं आता, क्योंकि इसकी त्वचा पर पसीने की ग्रंथियां ही नहीं होती। मगरमच्छ की त्वचा बहुत ही सख्त होती है। यह एक मोटी खाल होती है, जो काले या भूरे रंग की हो सकती है। मगरमच्छ की पूंछ बहुत ही ताकतवर होती है। इसी पूंछ की सहायता से मगरमच्छ किसी भी जीव को लपेटकर पानी में ले जाता है। अपनी पूंछ की सहायता से पानी में यह तैरता है। पानी में मगरमच्छ की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मगरमच्छ का जीवन काल 70 से 80 साल तक होता है। मगरमच्छ अंडे देता है। इन अंडों से ही बच्चे निकलते हैं। मादा मगरमच्छ किनारे पर आके अंडों को मिट्टी में गाड़ देती है। मगरमच्छ के अधिकांश भागों को जलीय जीव खा जाते हैं। मगरमच्छ जब मुँह खुला रखता है तो पानी पेट में नहीं जाता। इसका कारण मगरमच्छ के गले के अंदर पर्दे का होना है। मगरमच्छ को सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है, लेकिन यह पानी में लंबे वक्त तक रह सकता है। मगरमच्छ पानी के किनारे आराम करने के लिए आते हैं, लेकिन थोड़ी सी आहत होने पर भी ये तेजी से पानी में वापस भी चले जाते हैं। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल यह दुनिया का सबसे खतरनाक बेरहम जानवर माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी शिकार एक बार इसके जबड़ों में फंस जाए तो उसका बाहर निकलना तो नामुमकिन है। आज हम आपको खतरनाक क्रोकोडाइल के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। संसार भर में मगरमच्छ की 23 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। मगरमच्छ डायनासोरों के काल से ही पृथ्वी पर मौजूद है। मगरमच्छ सरपीसृप वर्ग का सबसे बड़ा जीवित जीव माना जाता है। मगरमच्छ की लंबाई 12 से 25 फीट या इससे अधिक हो सकती है। मादा मगरमच्छों द्वारा जमीन पर घोंसला बनाकर अंडे दिए जाते हैं। मगरमच्छ सामान्य पानी में समुद्र तटों, नदियों, झीलों और तालाबों में ज़्यादा पाए जाते हैं। मगरमच्छ लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला जीव होता है। सतनधारियों के अलावा मगरमच्छ एक ऐसा जीव भी है जिसमें डायफ्राम पाए जाते हैं। मगरमच्छ गात लगाकर ही शिकार करता है। दुनिया भर में मगरमच्छों की 20 से अधिक प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। मगरमच्छ सामान्य रात में ही शिकार करते हैं
और पूरा दिन वे दिन में धूप सेकते हैं। मगरमच्छ का खून बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, 40 से 75 वर्ष का हो सकता है। मगरमच्छ के मुंह में 82 दांत होते हैं। इनके दांत जीवन भर में 50 बार तक दोबारा आ सकते हैं। मगरमच्छ के जबड़े में 8 मांसपेशियों का समूह पाया जाता है, जिसमें से 7 मुंह को बंद करने में काम आती हैं और केवल 1 मुंह को खोलने के काम आती है, जिस कारण मगरमच्छ का जबड़ा दुनिया का सबसे ताकतवर जबड़ा है। इसी कारण जब वह किसी पर शिकार पकड़ बनाता है तो शिकार का मुंह से बचना तो नामुमकिन हो जाता है। मगरमच्छ की 2500 तक बाइट फोर्स हो सकती है। मगरमच्छ भारी भरकम शरीर वाले जीव को भी खा सकता है, जिसका वजन 500 से 1300 किलो हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है। मगरमच्छ एक बार पेट भरकर खाना खाने के बाद महीनों तक भी भूखा रह सकता है। मगरमच्छ का वैसे तो कोई भी दुश्मन नहीं होता, लेकिन कभी कभी इनका शिकार तेंदुए और बाघ जैसे जीव करते हुए देखे गए हैं, जो एक दुर्लभ नज़ारा होता है। मगरमच्छों का शिकार अवैध रूप से उनकी मोटी कीमतों के उनकी खाल के लिए किया जाता है, मगर इससे दौड़ सकता है। इनकी अब तक की सबसे तेज गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। दुनिया के कई देशों में मगरमच्छों के साथ खेल दिखाए जाते हैं, जो कभी कभी जानलेवा साबित भी हो सकते हैं। डेथ रोल तकनीक। इस तकनीक में मगरमच्छ किसी भी शिकार को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़कर घुमाने लगता है, जिससे उस जीव का संतुलन बिगड़ जाता है और यह उसे पानी में खींच कर ले जाता है, जहां पर यह उसका शिकार कर देता है। इस तकनीक का उपयोग मगरमच्छ शिकार करे हुए जीव को फाड़ने के लिए भी करता है। इस तकनीक का उपयोग किए जाने पर शिकार हुआ जीव बचना बहुत ही मुश्किल होता है। मगरमच्छों ने अपना सबसे बड़ा हमला कब किया? एक बार एक टापू की लड़ाई में जब जापानी सैनिक दलदल के रास्ते से लौट रहे थे, तो उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया था, जिसके कारण जापानी सैनिकों को एक रात के लिए उस दलदल में ही रुकना पड़ा। उसी वक्त वहां हजारों तादाद में मगरमच्छ आ गए और उन पर हमला बोल दिया, जिससे 400 जापानी सैनिकों की मौत हो गई। यह मगरमच्छों द्वारा किया अब तक का संसार का सबसे बड़ा हमला है। इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। मजबूत जबड़ा, उबड़ खाबड़ शरीर और अच्छी खासी लंबाई और फुर्तीला, इतना कि पलक झपकते ही अपने शिकार को अपने दांतों में दबा ले और उसकी उसी टाइम मौत कर दे। हम बात कर रहे हैं इस धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जानवर की, यानी कि मगरमच्छ की। खुरदली खाल वाले इस जानवर का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पानी और धरती पर रहने वाला यह सर्पीसर्प दिखने में बहुत ही बदसूरत और डरावना लगता है। यह हमेशा ही मानव संस्कृति का हिस्सा रहा है। यह इतने खतरनाक होते हैं कि कुछ देशों में इनकी खाल से बने उत्पादन और मांस का व्यापार भी बड़े ही धड़ल्ले से हो रहा है। इन देशों में सबसे आगे है थाईलैंड, जो मगरमच्छ से बने विभिन्न प्रकार के उत्पादनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आश्चर्य तो ये है कि इसकी बाकायदा खेती भी होती है। इसकी खेती करना आज एक सफल बिजनेस बन चुकी है। तो चलिए थोड़ी सी नज़र डालते हैं इनकी खेती के ऊपर। यह मगरमच्छ की फार्मिंग, कमर्शियल क्रोकोडाइल फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा मुनाफा करने वाला बिजनेस होता है। पैसों से भरे इस आकर्षण उद्योग में शुरुआती 3-4 साल में ही भारी निवेश की जरूरत होती है। इसके बाद तो व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी जगह की भी ज़रूरत होती है, जहां हजारों मगरमच्छों को आसानी से पाला जा सकता है। एक बार जब यह बिजनेस पूरी तरह से सेट हो जाता है, तो आप पर पैसों की बरसात शुरू हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मगरमच्छ की खाल से बने उत्पादों की बहुत ज़्यादा मांग होती है। यह बिजनेस इतना बड़ा होता है कि आज इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। थाईलैंड में तो आज इसके इतने फार्म खुल चुके हैं कि हर कोई बस इसी बिजनेस में ही जाता दिखाई देता है। आंकड़ों की माने तो थाईलैंड में करीब 1000 क्रोकोडाइल फार्म हैं। इस बात से जाहिर होता है कि यह बिजनेस कितना लाभ देता है। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी परमिशंस भी लेनी पड़ती हैं। लेकिन एक बार अगर यह बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो फिर मौज ही मौज है। थाईलैंड ही इसका सबसे बड़ा व्यापारी देश है। थाईलैंड में ऐसे कई फार्म हाउस हैं जहाँ बाकायदा मगरमच्छों को बड़ी संख्या में पाला जाता है। इन क्रोकोडाइल फार्म में आप मगरमच्छों को आराम से लेटते हुए दिखते हैं और इनका फेवरेट खाना खाने के भी लुत्फ उठाते हुए
देखा जा सकता है। ये बात अलग है कि मगरमच्छ इन बात से अनजान रहते हैं कि उनकी इतनी खतरदारी इसलिए ही की जा रही है कि ताकि वक्त आने पर उनकी चमड़ी और मांस का बिजनेस किया जा सके। थाईलैंड के फुकेल में कई सारे फार्म्स हैं जहां मगरमच्छों के कसाई खाने आराम से चल रहे हैं। ये फर्म बकायदा लाइसेंस लेकर क्रोकोडाइल के मांस का धंधा करते हैं। यहाँ के फिशरी डिपार्टमेंट के अनुसार थाईलैंड के करीब 1000 फर्म में लाखों मगरमच्छ रहते हैं। मगरमच्छ की खाल और मांस को संसाधित करके इन कारखानों में बहुत सारे सैलानी भी दूर दूर से इन्हें देखने के लिए आते हैं। इन कारखानों में क्रोकोडाइल की स्किन, मीट और खून के व्यापार के लिए उन्हें जिंदा काट दिया जाता है। क्रोकोडाइल की खाल से बने उत्पादन जैसे हैंडबैग और जैकेट्स बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकते हैं। पूरी दुनिया में इसकी स्किन से बने प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रोकोडाइल की खाल से बने हुए बैग की कीमत हजारों लाखों की भी हो सकती है। वहीं इसकी जैकेट का मूल्य भी करीब लाखों तक ही होता है। मगरमच्छों के खून से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं जो बाज़ार में महंगे दामों पर बिकती हैं। दोस्तों, ये थी मगरमच्छ से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारी और मगरमच्छ के फार्म हाउस के बारे में भी जानकारी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने मगरमच्छों से जुड़ी हुई सारी बातें आपको बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और कोई अच्छी सी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्या आप भी मगरमच्छों का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफे की बात होने वाली है आपके लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। अपना ख्याल रखना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।